सो है गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन से स्टॉक को आप स्विंग ट्रेड के लिए ले सकते हो और उसमें काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं, ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं। सो अब यार बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हम स्टार्ट। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल बना रखा है। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। यहाँ पर कोई भी लाइव मार्केट के अंदर कोई भी अपडेट होता है तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, तो वहाँ पर उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप जो है ट्रेडिंग हाइस टेलीग्राम पर सर्च करोगे, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर बहुत सारे अपडेट आपको फ्री में मिल जाएंगे, बहुत ट्रेड आपको फ्री में यहां पर मैं देता रहता हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ओवरऑल हम मार्केट को देख लेते हैं कि ओवरऑल निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद हम देखेंगे सेक्टर को, उसके बाद हम देख लेंगे स्टॉक को जिनको आप जो है नेक्स्ट वीक ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी का एक बार मैं वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेता हूं, एंड लास्ट वीक जो मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था उसी के हिसाब से अभी तक हमारे सारी चीजें प्लान करते आ रहे हैं, एंड उसी के हिसाब से सारी चीजें अभी चल रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर निफ्टी की अगर वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल पर देखोगे तो ओवरऑल क्लोजिंग टू क्लोजिंग देखें तो हमको कोई खास ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिला, थोड़ा सा नेगेटिव चेंजेस हमको देखने को मिला है। यानी कि लास्ट वीक की जो क्लोजिंग, ये जो रेड हैमर आपको दिख रहा था, इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर, एंड अभी इस हफ्ते की जो क्लोजिंग प्राइस है, ऑलमोस्ट दोनों के पास में ही है, ठीक है। ये तो हो गई क्लोजिंग की बात, लेकिन अगर मैं ओवरऑल ट्रेडिंग की बात करूँ तो देख सकते हो मंडे को मार्केट काफ़ी बड़ा गैप डाउन हुआ था, उसके बाद शार्प रिकवरी हुई, फिर से प्राइस ऑलमोस्ट 700 के आसपास हीट करके गई है, ठीक है। तो ओवरऑल अभी जो हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं वो है 17,700 का मेजर रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर निकलना थोड़ा सा हमारे लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इसकी वजह से जो है प्राइस यहाँ पर होल्ड कर रही है। लेकिन एक चीज बात अच्छी है कि यहाँ पर देखो मंडे को गैप डाउन, ये वीक गैप डाउन तो ओपन हुआ लेकिन शार्प रिकवरी हमको देखने को मिल चुकी है। अब इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट वीक हो क्या सकता है आप थोड़ा सा समझो। नेक्स्ट वीक में क्या देखने को मिल सकता है आपको, या तो एक इनसाइड कैंडल यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है, ठीक है। यानी कि इस लेवल के आसपास जो है आपको एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल सकती है यहाँ पर, चाहे वो हैमर हो या फिर छोटी सी डोजी कैंडल हो, किसी टाइप की एक छोटी इनसाइड कैंडल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। या फिर क्या हो सकता है, इसी लेवल से एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने को मिल सकता है 17,700 के ऊपर, अगर फिर से निकलती है प्राइस तो उसके बाद जो है डेफिनेटली हमको काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। उसके बाद जो हम नेक्स्ट वीक के लिए 18,000 के लिए रेडी हो जाएंगे। यानी कि अभी जो मेजर रेजिस्टेंस जो हमको देखने को मिलेगा वो है 18,000 का, क्योंकि इसी लेवल के आसपास प्राइस ने एक बार हिट किया, एंड जो सारे कॉल राइटर बैठे हुए 18,000 के पास में, सारे सबसे ज्यादा कॉल राइटर यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है। लास्ट डे की अगर आप ऑप्शन चेन के अंदर भी अगर आप देखोगे तो सिंपली यहां पर 17,600 या फिर 700 के आसपास सबसे ज्यादा कॉल राइटर थे, वो सारे कॉल राइटर यहां से हटके वो 18,000 के पास में जाके बैठ चुके हैं, ठीक है। हालांकि मैं इतना ऑप्शन चेन का डेटा इतना नहीं देखता हूं क्योंकि डेटा कभी भी बदल सकता है, उतना हम उस पर बिलीव नहीं करते, लेकिन सिंपली हम देखें तो 18,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर, एक राउंड लेवल नंबर है, तो यहां पर सबसे ज्यादा जो है सेलर्स बैठे हुए हैं, और अभी रिसेंट का जो हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं 17,700 का लेवल है, ठीक है। ओवरऑल देखें तो वीकली टाइम पे एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीक भी हमको इस टाइप की अगर ग्रीन कैंडल कंटिन्यू होती हुई नजर आती है तो हमको जो है काफी अच्छी ग्रीन कैंडल बन सकती है। अदरवाइज अगर मंडे को थोड़ा मार्केट गैप डाउन हो जाता है, फिर हफ्ते भर में प्राइस एक जो डोजी कैंडल बनाकर भी यहां पर होल्ड कर सकती है, ठीक है। ये तो हो गई निफ्टी की बात, चलिए अभी और सेक्टर को देख लेते हैं, सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। सबसे अच्छा जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है वो है बैंक निफ्टी को अगर देखोगे इस हफ्ते में ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास आ चुके हैं, ठीक है। दो हफ्ते प्राइस ने यहाँ पर वेट किया, अगर इसको देखोगे दो हफ्ते प्राइस ने यहाँ पर वेट किया, फिर से अभी एक ग्रीन कैंडल के साथ ऑलमोस्ट हाई लेवल के आसपास क्लोजिंग दे चुकी, तो अभी ये बैंक निफ्टी जो है नेक्स्ट वीक ऊपर की तरफ क्लोज कर सकता है। एंड अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ क्लोज करेगा ओवरऑल जो है निफ्टी को भी वो ऊपर की तरफ लेके ही जाएगा, ठीक है। तो इस नेक्स्ट वीक में इस बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को मिल सकता है। चलिए कुछ और सेक्टर देख लेते हैं, जो एक सेक्टर अगर हम बात करें निफ्टी अगर आईटी को देखें तो सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है, एंड निफ्टी आईटी का भी मैं चार्ट लगाकर आपको दिखा देता हूं। ओवरऑल देखो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आईटी सेक्टर देख सकते हो काफ़ी बड़ी गिरावट इस हफ्ते देखने को मिली है, तो ये गिरावट कंटिन्यू हो सकती है या फिर यहाँ पर होल्ड कर सकता है, तो आईटी सेक्टर से अभी हमको थोड़ा दूर रहना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ निफ्टी ऑटो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये तो पिछले मैं काफ़ी टाइम से आपको देते आ रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी ऑटो को मैं काफ़ी टाइम से जो इसको कंटिन्यूसली बताते जा रहा हूँ, क्योंकि इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, एंड ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद इस लेवल से देखो कंटिन्यूसली तेजी ही होती जा रही है, और लास्ट हफ्ते भी देखोगे प्राइस में
तो हुआ क्या है, देख सकते हो प्राइस बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया था लेकिन शार्प रिकवरी हमको देखने को मिली। तो जी इस सेक्टर के जो स्टॉक मैंने आपको ऑलरेडी दिला रखे हैं तो उसको होल्ड करके रखना है बस, ठीक है। आई होप कि सेक्टर वाइज थोड़ा सा आपको समझ में आ चुका होगा। सारे सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बस हमको थोड़ा सा इनको इनमें जो मैंने ट्रेड पहले दे रखे हैं उनको होल्ड करो। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कौन से अच्छे स्टॉक हो सकते हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। जो अभी रिसेंटली जो हमको ब्रेकआउट जिसमें देखने को मिल रहा है उसकी बात करूं तो एक स्टॉक है जिसको लास्ट हफ्ते ही हमको ब्रेकआउट देखने को मिला एंड जिस ये वीकली क्लोजिंग पर अगर देखोगे स्टॉक का अगर नाम बताऊं वो है पीडी लाइट इंडस्ट्री, ठीक है। पीडी लाइट इंडस्ट्रीज को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फाइनली 2760 का इसका ब्रेकआउट लेता, 2765 का ब्रेकआउट था एंड फाइनली इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग हमको मिल चुकी है, ठीक है। इसको मैंने 2700 के ऊपर इंट्राडे के अंदर भी ब्रेकआउट पर एंट्री दिलाई थी एंड वहाँ पर भी बोला था कि आप इसको स्विंग ट्रेड के अंदर ले सकते हो, ठीक है। मैंने दोनों ही तरफ आपको एंट्री दिला रखी थी। मैंने ये आपको जो हफ्ते की स्टार्टिंग पे ही यानी कि ये जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल दिख रही है, ठीक है, आप अगर देखोगे तो इस ग्रीन कैंडल इस दिन अगर आप देखोगे यहाँ पर 29 अगस्त को अगर आप देखोगे तो मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी अपडेट किया था कि यहाँ पर 2700 का बड़ा ब्रेकआउट है, इसके ऊपर बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और 3 दिन में कंटिन्यूसली काफी बड़ी तेजी देखने को मिली, ठीक है। अभी इसको नेक्स्ट वीक के लिए भी होल्ड करेंगे। अपन क्या करेंगे, जिन लोगों ने एंट्री ले रखी अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं लिए फिर से प्राइस अगर 2760 के आसपास कहीं मिलती है, 2760 हो गया या फिर 2800 लेवल हो गया, इस लेवल के आसपास कहीं पर भी फिर से रीटेस्ट करके फिर से ऊपर की तरफ निकलेगी तो इस रीटेस्ट में कहीं पर आप एंट्री ले सकते हो तो फिर से ले सकते हो इस लेवल के आसपास, ठीक है। 2760 से लगाकर 2800 की रेंज में अगर आपको फिर से ये प्राइस मिलती है, ये स्टॉक मिलता है तो आप इसमें जो है स्विंग ट्रेड ले सकते हो। एक दो हफ्ते में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और काफ़ी इसका जो मेजर ब्रेकआउट हुआ है बहुत बड़ा ब्रेकआउट इसमें हुआ है तो इसमें डेफिनेटली आपको होल्ड करके रखना है। बड़ा टारगेट आपको देखने को मिलेगा, 3400 हो गया, 3500 हो गया, यहाँ तक के टारगेट आपको जो है देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो इसमें थोड़ा सा आपको होल्ड करके रखना होगा, बस इसको ले लीजिए अच्छे जहां थोड़ा सा भी डिप मिले उस डिप में आप इसको खरीद सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से ITC की अगर मैं बात करूं तो ITC के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होने वाला है। चलिए मैं बता लेता हूं वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, मंथली पे देख लेते हैं एक बार एंड अगर मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर इस स्टॉक को देखोगे तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली 52 वीक हाई पर चल रहा है और अपने मेजर ब्रेकआउट लेवल के आसपास आ चुका है मंथली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। एंड एग्जैक्टली ब्रेकआउट के आसपास इसने क्लोजिंग करी है। इसमें अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 325 के आसपास का एक राउंड लेवल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखोगे प्राइस ने पहली बार प्राइस इस लेवल को हिट किया, यहीं से गिरावट हुई, फिर से कोशिश करने की, काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद जो है प्राइस इसके पास में आई है एंड यहाँ पर अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट लेती है प्राइस तो एक बड़ी तेजी हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो कल अगर नेक्स्ट वीक इसमें ब्रेकआउट होगा तो हम इसमें बाय कर सकते हैं या फिर यहीं से गिरावट हो सकती है। तो हमको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सावधान होकर ट्रेड करना होगा क्योंकि नीचे से ऑलरेडी काफ़ी अच्छी तेजी होती हुई आ रही है। तो सिंपली हम काम करेंगे सिर्फ स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, बड़ी तेजी हमको इसमें देखने को मिल सकती है। तो स्टॉप लॉस आपका इसी, ये जो बड़ी करेंट कैंडल दिख रही है लास्ट कैंडल, इसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और करंट प्राइस पर आप एंट्री कर सकते हो एंड 1:2, 1:3 का बड़ा टारगेट आपको लेके चलना है। थोड़ा 2-3 हफ्ते तक होल्ड करोगे तो इसमें बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ तो एस्कॉर्ट्स, इसके अंदर भी एक बड़ा ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, इसको भी मैं आपको दिला चुका हूं, पहले भी मैंने इस स्टॉक के अंदर एंट्री दिलाई है एंड वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर देखोगे तो एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग करी है। तो अग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे, एक दो हफ्ते प्राइस यहां पर वेट करती या फिर रीटेस्टिंग में अगर आपको यहां पर मिलता है, यानी इसका जो मेजर ब्रेकआउट हुआ है 1936 के आसपास, ठीक है, 1936 हो गया, 1900 का राउंड लेवल नंबर मान सकते हो, तो 1900 से लगाकर 1930 के आसपास इस लेवल के अगर फिर से आपको यहां पर एंट्री मिलती है, इस लेवल के आसपास फिर से ये स्टॉक मिलता है तो आप इसमें जो है बाइंग कर सकते हो। काफ़ी अच्छा स्टॉक दिख रहा है और इसको थोड़ा सा होल्ड, ये सारे स्टॉक मैं बता रहा हूँ कैश के अंदर बाय करके रख लो एंड इसको कुछ टाइम होल्ड करके रखो, बड़ा पैसा आपका बनेगा, इसके अंदर बड़े टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक को देखोगे यहाँ पर एक शार्प तेज हुई, अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आना बाकी है, ठीक है, फिर से प्राइस इसको रीटेस्ट करेगी तो इस लेवल के आसपास आप जो है इसको होल्ड करके रखो। ये सारे लेवल्स मैं ऑलरेडी अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। जैसे ही रीटेस्ट होगा फिर से जैसे ऊपर जाएगी प्राइस तो जब भी एंट्री एक्टिवेट होगी तो मैं यहाँ पर आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक की अगर मैं बात कर लूँ जिनके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए देख लेते हैं और कौन से स्टॉक है। एक IRCTC जिसको मैंने लास्ट प्रीवियस वीक भी शायद मैंने आपको दिया था ये स्टॉक, लेकिन प्रीवियस वीक में इतनी तेजी नहीं देखने को मिली। इस हफ्ते अगर देखोगे तो शार्प रिकवरी गैप डाउन ओपन हो गया था मार्केट गलती से एंड उसके बाद देखो शार्प रिकवरी हमको देखने को मिली और फिर से अभी इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो इस बार हमको बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है इस लेवल से, ठीक है। यानी कि ये जो बीच में एक छोटी सी कैंडल आपको दिख रही वीकली टाइम फ्रेम पर डोजी कैंडल दिख रही, इस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होगा यानी कि 733
733 का लेवल, ठीक है, 733 हो गया, 735 हो गया, इस लेवल को क्रॉस करने के बाद हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, काफी बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। और मेजर पैटर्न की बात करूँ इसमें कौन सा पैटर्न दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर देखोगे तो एक हमको फ्लैग पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस तरीके से देखोगे यहाँ पर तो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, मैं आपको बनाकर भी दिखा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके का देख सकते हो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर इसका ब्रेकआउट है। तो अब ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा तो बड़ी तेजी होगी, टारगेट 845 है और 921 के टारगेट लेवल में आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, तो इस बार खाली इसको कवर करें, इसको नज़र बना के रखो। इसके अलावा एक मेजर ब्रेकआउट जो अब हो सकता है, एक स्टॉक मुझे दिख रहा है वो है SBIN, ठीक है, लास्ट हफ्ते में ऑलरेडी दे चुका हूँ, एंट्री हमारी ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है, तो जो लोग एंट्री ले चुके हैं वेल एंड गुड, जिन्होंने एंट्री अभी तक नहीं ली है, अभी नेक्स्ट एंट्री कहाँ पर हो सकती है वो आप देख लो, ठीक है, नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी यहाँ पर 545 के ऊपर, ठीक है, नेक्स्ट एंट्री 545 से 550 के बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हो नेक्स्ट एंट्री, और थोड़ा सा होल्ड करके रखना इसको, दो तीन महीने तक होल्ड करोगे टारगेट आपको 640 हो गया, 650 हो गया, ऑलमोस्ट यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ है, देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन, एक रेक्टेंगल बनाया है प्राइस ने, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट लेगी प्राइस तो ऑलमोस्ट यहाँ तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं, ठीक है, तो इस स्टॉक पर नज़र बना के रखो। PSU बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ये जो इस मतलब इस सेक्टर का काफ़ी अच्छा मेजर वेटेज वाला स्टॉक है, तो इसमें काफ़ी अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है, तो इस स्टॉक पर नज़र बना के रखो, ठीक है। मेजर अब नेक्स्ट ब्रेकआउट है 545 से लगाकर 550 का ब्रेकआउट लेवल है, उसके ऊपर हम एंट्री कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं एंट्री आपके ऑलरेडी लास्ट हफ्ते ही दिया था इस स्टॉक को मैंने, और ऑलरेडी मैं एंट्री इसमें करवा चुका हूँ, ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं की है फ्रेश एंट्री आप इस लेवल के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस अभी इस हफ्ते का जो लो है उसी को स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर जो भी ब्रेकआउट कैंडल होगी उसके हिसाब से स्टॉप लॉस आप सेट कर सकते हो, अदरवाइज बाकी मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर वहां पर अपडेट करता रहता हूं कहां पर स्टॉक लगाना है वगैरह, ठीक है। एंड इसके अलावा बात करूँ अभी जो एक और स्टॉक है बैंक निफ्टी के अंदर, अगर इस बार तेजी देखने को मिलेगी तो HDFC बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर साफ देख लो कि प्राइस देखो कंटिन्यूसली मैंने जो एंट्री आपको दिलाई थी 1400 के लेवल के ऊपर मैंने एंट्री दिलाई थी इस हफ्ते के अंदर, उसके बाद से कंटिन्यूसली ट्रेड चलता जा रहा है, एंड फिर से प्राइस अभी लो लेवल के आसपास आई, फिर से यहाँ से तेजी हुई, एंड यहाँ पर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस वीक के हाई के आसपास हमको देखने को मिली है, ठीक है। तो अभी सिंपल सा एक इसके ऊपर अगर फिर से निकलेगी तो ये तेजी कंटिन्यू करेगा, प्राइस एक दो हफ्ते तक फिर से तेजी कंटिन्यू हो सकती है, तो 1490 के ऊपर हम इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है, 1490 हो गया, कुछ लोग चाहेंगे 1500 के ऊपर बाय करना तो वो लोग 1500 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। टारगेट लेवल क्या हो सकते हैं, टारगेट इसका जो नेक्स्ट टारगेट है मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, वो नेक्स्ट टारगेट होगा 1560 का लेवल, ठीक है। अभी आपका यहाँ पर अगर बाय करोगे टारगेट आपको होल्ड करना है, 1560 तक का टारगेट आपको मिल सकता है एक दो वीक के अंदर, दो तीन वीक के अंदर, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन टारगेट आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं, ये सारे टारगेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ स्टॉक मैंने ऑलरेडी जो दे रखे थे और कुछ स्टॉक ऑलरेडी आपके चल रहे होंगे, जैसे महिंद्रा हो गया, मैंने काफ़ी टाइम पहले उस स्टॉक को दिया था ऑटो सेक्टर का, इसके लिए TVS मोटर हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टॉक मैंने आपको ऑलरेडी दिला रखे हैं, और जिसको जिन लोगों ने पोजीशन बना रखी होल्ड करो, कभी भी एग्जिट एंट्री होगी तो मैं डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दूंगा। तो आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आकर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर बहुत सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, कोई भी ट्रेड होना होता है मैं आपको वहाँ पर दे देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके बाय।